माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करना आज हम सीखेंगे कि आप किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास ये पीसीबी मौजूद है और इस पीसीबी में आप देख सकते हैं कि ये एक माइक्रो कंट्रोलर ये लगा हुआ है। इसको हम प्रोग्रामिंग यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इसको कंपनी ने लॉक किया होता है, यानी कि इसके पास कोड लगा होता है और जिसकी वजह से हम इसको ओपन नहीं कर सकते या इसके प्रोग्राम को नहीं देख सकते। लेकिन इसके साथ एक और माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये देखें, ये वाला माइक्रो कंट्रोलर। तो ये माइक्रो कंट्रोलर जो है वो प्रोग्रामेबल है और इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, इसमें से रीड भी कर सकते हैं और दोबारा से राइट भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज ये सिखाता हूँ कि आपने इसको प्रोग्राम कैसे करना है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी ये खराब हो जाता है, तो खराब होने की वजह से फिर यहाँ पे लगे हुए तीन सेंसर्स हैं, तो इनको रीड करता है और रीड करके और इनके डेटा को जो है वो दूसरा माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ है इसके साथ ये कम्युनिकेट करता है सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए से, और ये फिर आपस में एक दूसरे को बात बताते हैं और इसके जरिए से फिर जो कंप्रेसर है उसकी स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। और अगर कोई फॉल्ट है और उसकी वजह से प्रोटेक्शन मोड में जाना है, यही छोटा माइक्रो कंट्रोलर है, ये सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए से इस माइक्रो कंट्रोलर को जो है वो गाइड करता है और यूं फिर ये आपस में कम्युनिकेट करते हुए सारे प्रोग्राम को जो है वो रन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर ये वाला लगा हुआ है 20 पिन वाला, इसका नंबर है जी STM8S103F3P6। तो ये जो है वो प्रोग्रामेबल है, तो हम इसको किस तरह से प्रोग्राम करेंगे ये तमाम तफसील यहाँ पे देखेंगे। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि ये हमने प्रोग्राम या री प्रोग्राम क्यों करना है। तो ऐसा होता है कि मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, पीसीबी को ऑन करता हूँ। तो पीसीबी को जो ही मैंने ऑन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो LEDs हैं यहाँ पे ऑन हो गई हैं। तो इसमें LED 1 ये देखें ऑन हुई और ये अभी ऑफ होके और ये इसने एरर देना शुरू कर दिया, जबकि यहाँ पर ये जो ग्रीन LED है ये LED 2 ये जो है वो इसी माइक्रो कंट्रोलर की LED है। तो जब ये फ्लैश कर रही हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये काम कर रही है, लेकिन बाज दफा ऐसा भी हो जाता है कि अंदर से अगर प्रोग्राम किसी वजह से करप्ट हो जाता है तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास इसका प्रोग्राम ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए। अगर आपने इसका प्रोग्राम जो है वो अपने पास कॉपी नहीं किया हुआ तो आप किसी भी सूरत में इसको ठीक नहीं कर सकते, चाहे इसी माइक्रो कंट्रोलर को रीप्रोग्राम करना हो या के जो नया माइक्रो कंट्रोलर है उसको लगा के और उसमें नई प्रोग्रामिंग डालनी हो, तो किसी भी सूरत में आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इसका जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है वो मौजूद होना चाहिए लाजमी। क्योंकि अगर किसी भी वजह से ये तीनों सेंसर की जो रीडिंग है वो इस मेन माइक्रोकंट्रोलर तक नहीं पहुंचती है तो फिर इसका मतलब ये है पीसीबी जो है या यूनिट जो है वो किसी भी सूरत में वो काम नहीं करेगा फर्दर। अब इस माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ती है और हार्डवेयर की भी जरूरत पड़ती है। तो हार्डवेयर में जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज पर जरूरत पड़ेगी और सॉफ्टवेयर में हमें वो क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज करना है कि जिसके जरिए से आप ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर इसके हार्डवेयर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जिसके जरिए से ये आप काम करेंगे, और इस वक्त मेरे पास ये मेरा कंप्यूटर जो है वो खुला हुआ है, तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लूंगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करते ही यहां पर लिख सकते हैं STVP STM8। तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है तो लिखा हुआ है, तो मैं इसी पे क्लिक कर दूंगा। जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये देखें ये वेबसाइट का लिंक जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो ये ST इलेक्ट्रॉनिक्स की वेबसाइट है, तो ये मैंने क्लिक किया तो ये हम वेबसाइट पे आ गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और आप एज अ गेस्ट भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा कि अगर आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो उससे आपके लिए आसानी ज्यादा हो जाएगी। मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे गेट लेटेस्ट, तो मैं गेट लेटेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। जो ही मैंने इस गेट लेटेस्ट पे क्लिक किया तो ये लाइसेंस एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे आ गया, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब यहां पर देखें क्रिएट माय ST अकाउंट आ गया और लॉगिन टू माय ST अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ST अकाउंट मौजूद है तो मैं लॉगिन टू ST कर लूंगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जो है वो इस पे काम कर रहे हैं तो आपको ये अकाउंट फिर बनाना होगा। तो फिर आपको क्रिएट अ माय ST अकाउंट पे क्लिक करना होगा और उसके जरिए फिर अपना जो जितनी भी डिटेल वो मांगेंगे आपने वो देनी होगी और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट फ्री ऑफ चार्ज जो है वो खुल जाएगा। लेकिन मेरे पास चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट मौजूद है तो मैं लॉगिन टू माय ST इस पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो मैं इसे लॉगिन कर लूंगा। अब यहां पर क्या हुआ है कि जो ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें ये यहां पर राउंड चीज चल रही और ये देखें डाउनलोड हो गई है। यहां पे ऑलरेडी जो है वो मैंने 2 से 3 दफा प्रोग्राम को डाउनलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है ताकि आप इसको प्रॉपरली तरीके से कर सकें। तो इसको हम इग्नोर करेंगे, फिलहाल क्या करेंगे कि पेज को स्क्रोल करेंगे। स्क्रोल करने के बाद देखें हमारे पास यहां पे आ गया गेट सॉफ्टवेयर, ये जो है STVP STM का
विजुअल प्रोग्राम STM है, ठीक है जी, STM 8 है। तो इसको हम क्लिक करेंगे डाउनलोड लेटेस्ट पे। जब आप डाउनलोड लेटेस्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से लाइसेंस एग्रीमेंट आ जाएगा, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद ये देखें दोबारा से जो है वो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। इसके लिए हम थोड़ी देर वेट करेंगे और ये देखें डाउनलोड हो रहा है और ये कंप्लीट हो गया। जो ही डाउनलोड कंप्लीट हुआ तो ये जिप फाइल है, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो हमसे ये देखें यहाँ पे मांग रहा है कि आपने कौन से प्रोग्राम में इसको खोलना है। तो हम फाइल एक्सप्लोरर में हम खोल लेंगे इसको और जस्ट वंस जो है वो इस पर क्लिक कर देंगे। जो ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें ST टूल्स सेट जो है पैक यहाँ पे आ गया। हम इसको डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर और डबल क्लिक किया तो ये देखें प्रोसेसिंग में चला गया और ये हमसे अभी कि आपको हमें इजाजत दें कि मैं ये प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल कर सकूं। तो ये देखें पब्लिशर अननोन है लेकिन ST टूल है, ये पब्लिशर ट्रस्टवर्दी है तो इसलिए हम इसको यस दे देंगे। जो ही मैंने यस किया तो ST टूल सेट आ गया यहाँ पर और ये बाकी की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब आपने यहाँ पर जितनी भी इंस्टॉलेशन करनी है उसको यस भी करना है और किसी चीज को आपने नो नहीं करना है बल्कि यस यस करते जाए, तमाम एग्रीमेंट्स को एक्सेप्ट करते जाए तो फिर ये काम होता जाएगा। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम मेरे पास मौजूद नहीं है लेकिन मैं इसको इग्नोर कर दूंगा और इसको क्लोज करूंगा। जो ही मैंने इसको क्लोज किया तो वेलकम टू द इंस्टॉल शील्ड विजार्ड फॉर ST टूल सेट आ जाएगा। इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये फिर से एग्रीमेंट मांग रहा है, एक्सेप्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि आपके कंप्यूटर में ये कौन सी लोकेशन में इंस्टॉल होगा, इसको भी हम नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप चेंज करना चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं लोकेशन को, इसको अभी हम ऊपर ही रखेंगे। डू नॉट क्रिएट माय शॉर्टकट STV शॉर्टकट, ये दोनों हम शॉर्टकट इसके बना लेंगे। अब देखें इसने अपना काम शुरू कर दिया है। अब ये देखें प्रोसेस हो गया, अब ड्राइवर को इनिशियलाइज कर रहा है, अभी थोड़ी देर ये वेट करेंगे हम। अब ये देखें ये तमाम का तमाम प्रोग्राम जो है वो इंस्टॉल हो गया है, अब इसको हम फिनिश कर देंगे। अभी हमने फिनिश कर दिया, ये भी इसको भी क्लोज कर देंगे, इसको भी अगर आप साइन आउट करना चाहें लॉग आउट कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास ये देखें दो जो है वो प्रोग्राम आ गए हैं, ST विजुअल डेवलप आ गया और ST विजुअल प्रोग्रामर आ गया। तो मैं ST विजुअल प्रोग्रामर को सिलेक्ट कर लूंगा। अब जो ही मैंने इसको डबल क्लिक किया तो ये देखें मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमने चीज करनी है वो करना है कि कन्फिगर करना है इसको कि हम क्या चीज को प्रोग्राम करेंगे। तो कन्फिगरेशन पहले करेंगे, कन्फिगर पे हम क्लिक करेंगे तो कन्फिगर ST विजुअल प्रोग्रामर, तो इसको हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जो चीजें हमने करनी है वो STM 8 उसके लिए उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए हमने सारी सेटिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम सेटिंग करेंगे वो हार्डवेयर की सेटिंग होगी। ये देखें यहाँ पर ये हार्डवेयर लिखा हुआ है, इसमें हमने क्या करना है कि हमने ST लिंक पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो ST लिंक पे जब हम क्लिक करेंगे तो साथ ही ये देखें यहाँ पर तमाम का तमाम इंटरफेस चेंज हो गया है। जो पोर्ट है वो USB रखनी है, ये USB रहेगी क्योंकि एक ही है तो ये सिलेक्ट रहेगी। प्रोग्रामिंग मोड जो है इसमें हमने क्या करना है SWIM इसको सिलेक्ट करना है। जब इसको सिलेक्ट करेंगे तो साथ ही जो है अगला इंटरफेस भी चेंज हो गया है। तो इसे चेंज होने से हमें क्या होगा कि हम अब स्पेसिफिक IC को, ये डिवाइस जिस डिवाइस को हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको हम ढूंढेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी डिवाइस का नंबर क्या है जी STM8S। तो S की तरफ जाएंगे हम, ये देखें ये S आ गया है STM S, तो वहां पर 10 ये देखें जी STM8S103F3, देखें 2 और K ये दोनों मौजूद हैं तो ये हम 3 पे क्लिक कर देंगे क्योंकि 3 है लास्ट में, तो 3 पे क्लिक करेंगे और इसको इसी सेटिंग में हमने रखना है इसको और उसको हम ओके कर देंगे। जब हमने इसको ओके कर दिया तो ये देखें सारा कुछ चेंज हो गया। अब आपने आ जाना है हार्डवेयर की तरफ। अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपने जो PCB है इसको बंद कर देना है। अगर इसमें इलेक्ट्रिक है तो इसकी इलेक्ट्रिक बंद कर दें और वेट करें कि इसकी जो ये LEDs जल रही थी ये बंद हो जाएं। जब ये बंद हो जाएं तो उसके बाद फिर जो है वो आपने नेक्स्ट काम करना है। बिजली में जो है वो आपने इसको यूज नहीं करना है, ना ही प्रोग्रामिंग करनी है। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होगा वो है जी ST Link V2। तो ये प्रोग्रामर आपको चाहिए होगा, अगर नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में मौजूद नहीं है तो आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आराम से ये जो है वो मिल जाता है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अब इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं RST ये रीसेट है, SWIM ग्राउंड और 3.3 वोल्ट और 5.5 वोल्ट, और इस तरफ जो है वो कुछ और वोल्टेज और कुछ और चीज़ें लिखी हैं। इस तरफ ये हमारे फिलहाल जरूरत नहीं होगी, हमें ये ऊपर वाली जितनी भी चीजें हैं ये हमारे जो लेफ्ट साइड पे हैं इनको हम यूज करेंगे। तो हमें चाहिए होगा रीसेट SWIM ग्राउंड और 3.3 वोल्ट हमें यहाँ पे चाहिए होंगे, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट करता है तो 3.3 वोल्ट हमें चाहिए होंगे। अब ये पिन जो है वो हमें कहाँ मिलेंगी, अगर हम इस प्रोग्रामर को मूव करते हैं तो ये देखें ये जो हमारे लेफ्ट साइड की पिने हैं ये हमारी इसी लेफ्ट साइड के ये जो नंबर्स हैं यही पिने हैं, और ये जो राइट साइड की हैं तो यहाँ पर भी ये राइट साइड की जो पिन हैं तो इन्हीं को ये नंबर असाइन किए गए हैं।
तो हमने यूज करनी है जी हमारे लेफ्ट साइड की पिनियों को। अब इस चीज को अटैच करने के लिए हमें इन वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम इनको यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो जो लेफ्ट साइड की पिने थी रीसेट से लेके और 3.3 वोल्ट तक जो है वो हम इनको अटैच कर देंगे। अब जो हमारे साथ लेफ्ट साइड पे जो पिने हैं इनके साथ हम ये कनेक्टर्स लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज आ गई है वो इन वायर्स की कलर कोडिंग है, तो इन कलर कोडिंग के मुताबिक जो है वो हम आगे काम करेंगे। और ये जो रीसेट है इसके ऊपर है जी व्हाइट केबल, इसी तरह से SWIM के ऊपर है जी ग्रे केबल, और ग्राउंड के ऊपर है जी पर्पल है, और 3.3 वोल्ट जो है वो है जी ब्लू कलर की केबल। अब यहाँ पर हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें ये तीन पिने मौजूद है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है SWIM, साथ में ग्राउंड और ये 3.3 वोल्ट। तो ये जो ऊपर से नीचे की पिन जा रही हैं, तो पहली पिन जो है SWIM सेंटर वाली ग्राउंड, और ये थर्ड जो है ये 3.3 वोल्ट की पिन है। तो इसकी जो कलर कोडिंग है हम इसी तरह से कर देते हैं जैसे हमने वहां पे की हुई है। व्हाइट को हम यहां पे छोड़ देंगे, ग्रे वायर जो है वो SWIM की है, इसको लगा देते हैं ग्रे वायर को। फिर इसके बाद सेंटर में है जो वो पर्पल वायर है, ये ग्राउंड की वायर है, इसको हम ग्राउंड में लगा देंगे 2 नंबर पिन पे, ये लगा दिया। अब ये ब्लू जो है ये 3.3 वोल्ट है, तो यहाँ पे लगा दिया। तो ये तीनों कनेक्टर लग गए हैं। अब यहाँ पे ये जो चौथा कनेक्टर है ये हमने कहाँ लगाना है, तो इसकी जो पिन नंबर देखें ये पिन नंबर 1 है, ये जो गोल ग्रूव नजर आ रहा है, तो इसका जो मार्क है 1 नंबर पिन का ये देखें यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो इस तरफ से हम देखें गिनेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर पिन जो है वो यहाँ पर कैपेसिटर नंबर 66 पे आती है, तो ये इसकी रीसेट पिन है। तो यहाँ पे हम अपनी पिन लगाएंगे, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाली पिन, यहाँ पे सोल्डर कर देंगे, तो ये सोल्डर हो गई जी। इसको थोड़ा टेढ़ा कर दूंगा मैं, तो इसके साथ जो है वो इसको मैं लगा दूंगा, तो ये ले जी ये अटैच हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो सेटअप है हार्डवेयर का वो रेडी हो चुका है। अब हम SC लिंक के इस प्रोग्रामर को जो है वो कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। तो ये रहा ये USB, तो इसके साथ मैं लगा देता हूँ, तो ये देखें जो ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो PCB में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LED 1 और LED 2 दोनों ने काम करना शुरू कर दिया है। अब इसमें इलेक्ट्रिक जो है वो मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने USB के साथ इसको कनेक्ट किया है। और जबकि ये प्रोग्रामर है इसके ऊपर ये देखें ये रेड लाइट जो है वो जलना शुरू कर दी है इसने भी। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे इस प्रोग्राम को रीड करना है, यानी कि इसको हमने अपने कंप्यूटर में सेव करना है ताकि आइंदा के लिए हम इसको यूज कर सकें। तो जो ही आप ये तमाम चीजें कनेक्ट कर लेंगे तो अब आप आ जाएंगे सॉफ्टवेयर की तरफ। तो सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन आपने खत्म कर ली, इसके बाद इसका जो रीड बटन है उसको प्रेस करेंगे। रीड को जब हमने प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए करंट टैब है और ऑल टैब ऑन एक्टिव सेक्टर इफ एनी, तो दोनों को हम प्रेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने करंटली माइक्रो कंट्रोलर को रीड करना है तो मैं करंटली ही करूंगा, तो करंटली टैब रीड किया और साथ ही देखें ये तमाम का तमाम जो प्रोग्राम है माइक्रो कंट्रोलर का यहाँ पे हमारे पास फिजिकली हमें नजर आना शुरू हो गया। ये देखें ये तमाम सॉफ्टवेयर है और ये देखें नीचे से ये तमाम सेक्टर्स के खाली हैं। अब हमने इसको सेव करना है, तो सेव करने के लिए दो तरीके कार हैं। डायरेक्टली ये देखें ब्लू कलर की जो फ्लॉपी ड्राइव है वो भी बनी हुई है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो फाइल पे क्लिक करके हम सेव एज कर लेंगे ताकि हमें आसानी हो, हम अपने मुताबिक जो है वो नाम दे सकें। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी मैंने एक प्रोग्राम सेव किया हुआ है, लेकिन इसको मैं दोबारा सेव कर लूंगा ताकि आपको समझ आ सके। तो यहाँ पे हम इसका नाम दे देंगे, जिस भी स्पेसिफिक लोकेशन में आपने इसको सेव करना है, तो मैं इसको दे दूंगा नदीम, टेम्परेली मैं अभी दे रहा हूँ, आप अपने तौर पर जो है वो नाम दें। सेव कर लूंगा, मैंने सेव किया, अब सेव होने के बाद दोबारा बंद कर दूंगा। तो मैंने अपने कंप्यूटर में इसको अपनी ड्राइव में सेव किया है, तो यहाँ पर ये देखें STM प्रोग्रामिंग और यहाँ पे Nadeem.S19 ये देखें ये यहाँ पे सेव हो गया प्रोग्राम। अब इसको हम खोल नहीं सकते क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्रामर में खुलेगा। अब अगर किसी वजह से माइक्रो कंट्रोलर जो है वो ख़राब हो जाता है और हम उसको रिप्लेस कर देते हैं माइक्रो कंट्रोलर को और उसको हमने दोबारा रीप्रोग्राम करना है, तो तमाम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का तरीकेकार सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोग्राम आपने राइट करना है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ, तो देखें ऑलरेडी मैंने ये प्रोग्राम आपके सामने मैंने इसको कॉपी किया था, तो इसको मैं खोल लेता हूं और ओपन कर लेता हूं। जो ही मैंने ओपन किया तो ये देखें तमाम का तमाम प्रोग्राम जो है वो मेरे पास ओपन हो चुका है। अब क्या करना है कि इसी प्रोग्राम को हमने कॉपी करना है नए माइक्रो कंट्रोलर में, तो प्रोग्राम को हम प्रेस करेंगे। इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें भी दो ही ऑप्शन है, करंट टैप भी कर सकते हैं और ऑल टैप भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये देखें यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी डेटा मेमोरी देखें ऑप्शन बाइट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर भी कोई प्रोग्राम मौजूद है तो अगर
आप ऑल डेटा करेंगे तो वो भी इसमें कॉपी हो जाएगा। लेकिन चूंकि देखें हमारे पास इस वक्त इनमें किसी किस्म का कोई प्रोग्राम मौजूद नहीं है, तो हम एक भी कर सकते हैं और दोनों यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अभी बेस्ट ये रहेगा, क्योंकि मैंने ये करना है, ऑल टैप कर देता हूं, तो ऑल टैप जो है वो इसमें कॉपी हो जाएंगे। देखें इसने काम किया और ये तमाम का तमाम डेटा कॉपी हो गया। हालांकि ये मैंने जो है पहले से प्रोग्राम मौजूद था उसी के ऊपर मैंने कॉपी कर दी है। लेकिन नॉर्मली क्या होगा कि हम जब तब कॉपी इसको करेंगे जब हम इसमें नया माइक्रो कंट्रोल लगाएंगे, तो आसानी से फिर ये जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो जो LED 1 है वो यहाँ पर ऑन हो रही है, लेकिन LED 2 जो है ग्रीन लाइट वो यहाँ पर ऑन नहीं हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस USB को यहाँ से हम अलग कर देंगे, ये अलग किया, और प्रोग्रामर को भी यहाँ से हटा देंगे। अब दोबारा से हम PCB को इलेक्ट्रिक दे देंगे। ये देखिए मैंने इलेक्ट्रिक ऑन की तो इसकी जो दोनों लाइटें जो हैं वो इस वक्त ऑन हो चुकी हैं, ग्रीन लाइट भी और रेड लाइट भी। तो यूं आप STM8S के जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो इस तरह से आसानी से इनको रीड भी कर सकते हैं और उसमें राइट भी प्रोग्राम को कर सकते हैं। मजीद वीडियोज देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।